सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी बैड हैबिट्स बताने वाला हूँ जो कि अगर आप भी करते हो सो आपको फ्यूचर में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। सो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि शायद आप वो गलती करते हो और आप आगे से वो गलती ना करो। सब कुछ बताऊँगा इसके बारे में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको भी अपने किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, फैशन से रिलेटेड, आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो, वहां पर आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो ये होने वाला है कि कुछ मेरे भाई क्या गलती करते हैं, वो अपने फेस पर सोप लगा लेते हैं। जो सोप हम अपने बॉडी वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं वही सोप वो अपने फेस पर लगा लेते हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जो सोप हमारा बॉडी के लिए बना होता है उसका पीएच लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और हमारी जो स्किन होती है फेस की वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो जब हम उसे अपने फेस पर यूज़ करते हैं सो हमारी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम टू टाइम होती रहती है। जैसे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम हमें हो जाती है, हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो होता क्या है कि उस पर ग्लो भी नहीं आता। सो आप एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहते सो आप नॉर्मल वाटर से भी यूज़ कर सकते हो, बट बॉडी सोप कभी भी यूज़ बिल्कुल भी ना करें अपने फेस पर, वरना आपको फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है अपने फेस के साथ। एंड जो फेस वॉश मुझे बेस्ट लगे उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। तो सेकेंड मिस्टेक मेरे कुछ भाई क्या करते हैं कि वो अपने पिंपल को हटाने के लिए उस पर लगा लेते हैं कोलगेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। कोलगेट से आपका पिंपल भले ही एक रात में ख़त्म हो जाएगा, बट जब आप अगली मॉर्निंग में उठोगे सो आप देखोगे कि वहाँ पर पिंपल तो खत्म हो गया बट वो एक डार्क स्पॉट छोड़ गया, और डार्क स्पॉट को मिटाने में कम से कम 5 से 6 महीने आपके वेस्ट चले जाने वाले हैं। सो इसलिए आप कोलगेट को अपने टीथ पर यूज़ करें ना कि अपने पिंपल पर। देना बात कर लेते हैं हमारे थर्ड मिस्टेक के बारे में, जो कि है अनहाइजीन की। जी हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने नेल्स कट नहीं करते, उनके नेल्स पर काफ़ी ज़्यादा डर्ट फंसा हुआ रहता, उनके टीथ येलो हो रहे हैं, उनके माउथ से स्मेल आ रही है। ये अब सोचो आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हो या आप किसी से मिलने जा रहे हो या कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू जा रहे हो, आपका कॉलेज में फर्स्ट डे है, सो आपके साथ क्या होगा? वहां पर आपके कोई पास भी नहीं आना चाहेगा अगर आप अनहाइजेनिक दिखोगे। सो हाइजीन को आप सबसे टॉप पर रखें। जितने ज्यादा आप हाइजेनिक लगोगे उतने ज्यादा लोग आपसे बात करने में कंफर्टेबल होंगे, उतने ज्यादा आपसे लोग कनेक्ट होंगे। देन अब बात कर लेते हैं हमारी फोर्थ चीज़ की, जो कि मेरे भाई कुछ करते हैं, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब ये चीज़ तो आपको भी पता होगी, जो मेरे भाई करते होंगे उन्हें भी ये चीज़ पता होगी, फिर भी वो करते होंगे। इसलिए मैं अभी से कहना चाहूँगा फ्यूचर में जाकर आपके अंदर कुछ भी नहीं बचने वाला, और आपके टीथ, आपके लिप्स और आपके चेहरा तो पूरा ख़राब हो ही चुका होगा। सो इसीलिए स्मोकिंग छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा है इन सब में। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, जो कि है मास्टरबेशन। जी हाँ, कुछ मेरे भाई इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज़ के कि वो अपना सब कुछ लॉस कर चुके हैं। यानी कि उनके हेयर फॉल, हेयर लॉस की प्रॉब्लम उन्हें होती है, उन्हें पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, उन्हें डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, उनका फेस काफ़ी ज़्यादा डल हो चुका है, उन्हें मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। जब आप इस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हो आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हो। सो इस चीज़ के एडिक्ट ना बने। उन्हें कैसे इस एडिक्शन को छोड़ना है वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो बस गाइस, इतना था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।